नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड एजुकेशन एंड ट्रेवल विद डीसी में। अगर आप भी बनाना चाहते हैं इतना स्पॉन्जी खमन ढोकला जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी हो, तो उसके लिए आज फॉलो करना पड़ेगी मेरी रेसिपी। और साथ में है हमारे पास में दो चटनियाँ, एक हरी चटनी जो इस ढोकले के लिए बहुत ही परफेक्टली सूट करती, दूसरी यूनिवर्सल इमली की चटनी। तो ये दोनों चटनी और ये ढोकला, यही है हमारी आज की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, खमन या ढोकले की रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने निकाल लिए हैं। मुझे दो बाउल लगभग बेसन लगेगा, एक मैंने निकाल लिया है, एक और ले लूँगा। साथ में मुझे इसमें लगेगी एक चम्मच शक्कर, ये नींबू का सत है, यानी कि आपके पास अगर नींबू हो तो आप एक नींबू निचोड़ लें वो भी हो जाएगा। ये मैंने आधी चम्मच नींबू का सत लिया है, लगेगी आधी चम्मच हल्दी और लगभग एक चम्मच नमक। तो इस ये सब पाउडर से मुझे पहले बेसन का घोल बनाना रहेगा। और बघार लगाने के लिए मुझे चाहिए, तड़का लगाने के लिए, कड़ी पत्ता, जीरा, हरी मिर्च और अगेन नमक। तो चलिए कैसे प्रोसेस करना है हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है कांच का बाउल, इसमें मैं डाल रहा हूँ ये हमारा बेसन। आप चाहें तो ऐसा स्टील का भगोना भी ले सकते हैं, हम भी चलिए वही कर लेते हैं, कांच के बाउल को छोड़ देते हैं, स्टील का भगोना ले लेते हैं, ताकि जब ये फूलेगा तब अच्छा रहेगा। तो ये पहला बाउल बेसन गया। तो फ्रेंड्स, इस भगोने में यानी कि बड़े से बर्तन के अंदर, कोई भी बर्तन लें, उसमें एक बाउल मैंने डाल दिया है जो हमारे पास था, और एक बाउल बेसन और ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम लोग फटाफट ऐड करते हैं हमारा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच शक्कर, साथ में एक चम्मच या आधा चम्मच जैसा आपको सुटेबल लगे उतना नमक, और साथ में डालें ये नींबू का सत। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, मैं ये नींबू का सत ले रहा हूं। अब इसको मैं मिक्स करूंगा, इसमें डालूंगा दो चम्मच तेल, लगभग दो बड़े चम्मच तेल है ये दो बड़े चम्मच तेल मैंने इसमें डाल दिया। अब फटाफट पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं। इसको कर रहे हैं मिक्स एंड देन इसके बाद इसमें ऐड करते हैं वाटर। तेल इसलिए डालते हैं ताकि अच्छा फ्लफी बने। ऊपर से इसमें पानी ऐड करें, ध्यान रखें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। पहले आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें और एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लें। लगभग आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, उसी में देखिए ये पेस्ट का काम मेरा होने लगा है। थोड़ा सा पानी इसमें और लगने वाला है तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। अभी आधा ग्लास डाल चुके थे, लगभग आधे ग्लास से थोड़ा सा और मैंने इसमें ऐड किया है और ये एक पतला पेस्ट मैंने बना लिया। इस कंसिस्टेंसी का पतला पेस्ट बनाना है। और अब दो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, एक इनो और एक मीठा सोडा, ये दोनों मेरे पास हैं। बट इनको डालने के पहले हम लोग फटाफट गैस पे बर्नर ऑन करते हैं। ये मेरा सेटअप है आज का, जो आपके पास आपका इडली मेकर होता है उसमें मैं पानी भर के गर्म करके रख रहा हूं। तो इस इडली मेकर में पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अल्टरनेट मेथड ये है कि आप कुकर में भी ले सकते हैं, कुकर की सीटी हटाइए, उसके अंदर कोई भी ऐसा एक स्टैंड रखिए जो बर्तन का स्टैंड आता है, इस टाइप का स्टैंड रखिए और आपका जो ये बर्तन है इसको उसके अंदर सेट कर दीजिए। तो इसको थोड़ा उबाल आ जाए फिर हम लोग फटाफट हमारा ये वाला बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके पहले इसमें डालेंगे इनो और मीठा सोडा। पानी बॉयल हो रहा है, मीनवाइल मैं ग्रीसिंग कर लेता हूं अपने इस बर्तन को। ये पैन जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से करें, ब्रश नहीं है तो इस तरह से अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसको साइड्स में जो इसके एजेस हैं, क्योंकि ये फूल के वहाँ तक आने वाला है, तो उसमें भी ऐसे ग्रीसिंग करें ऑयल की। लोगों के पास अगर बटर पेपर का अरेंजमेंट हो तो वो करें, पर मैं बनाता हूँ सिंपलेस्ट मेथड में, जिससे आपको अलग से बाजार से ये सामान खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये अच्छी तरह ग्रीस हो गया है, पानी भी मेरा लगभग उबल चुका है, बॉईल हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं इनो। फ्रेंड्स, आपका बेसन अगर सूख गया हो थोड़ा बहुत तो उसमें पानी डाल के उसको वापस से दोबारा इस कंसिस्टेंसी में लेके आए। साथ में डालें थोड़ा सा, यानी कि लगभग एक चम्मच बेकिंग पाउडर, या फिर आपके पास अगर मीठा सोडा हो वो, और साथ में डालें इनो आपको डालना है आधा पैकेट, दो बाउल के लिए आधा पैकेट इनो सफिशिएंट है। अब इस मिश्रण को आप देखें, जैसे ही मैं करूंगा ऐसे ये फ्लफी होता जाएगा
और बस फटाफट अब इसको हम इसको इस फ्लफी मिक्सचर को, ये देखिए फ्लफी हुआ, ये फूलते जा रहा है, इसको हमें हमारे बर्तन में ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स कितना फ्लफी हो गया है, इतना फ्लफी हो जाएगा वो जरा सा बैटर में। तो इसको मैं हमारे इस बर्तन में निकाल लेता हूँ सारा। ये हो गया फ्लफी, इसको हल्का सा ऐसे दबाएं, ज्यादा इसको थपथपाएं नहीं, सेट नहीं करें। और अब इसको इस उबलते हुए भाप वाले पानी के अंदर यहाँ पे मैं सेट करके रख दूंगा। फ्रेंड्स ये हो गया यहाँ पे सेट। अब इसको कम आंच में यानी कि मध्यम आंच में लगभग 10 मिनट तक इसको ऐसे पकाएंगे और हमारे अरेंजमेंट करेंगे बघार का। फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट बाद इसको खोल के देख रहा हूँ, अच्छा फ्लफी फूल गया है। अब इसके अंदर हम लोग ऐसे ये एक चाकू डाल के देखेंगे। ये देखिए चाकू पे इतने ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स लगे नहीं है तो मेरे हिसाब से ये हो गया है। इसे हम लोग अभी इसी की भाप में छोड़ देंगे और तैयारी करते हैं इसके तड़के की। देखिए फ्रेंड्स इसको निकाल लिया है, फ्लफी सा है ये बिल्कुल। इसको अभी थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, इसको फिर पलट के काटेंगे। अब तैयारी कर लेते हैं छौंके की। तो मैंने रख दिया है गैस पे हमारा कढ़ाई, इसमें डाल रहा हूँ करीबन 1 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा फिर इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक तेल गर्म हो जब तक हम इसके साइड से ऐसे कट करके हमारे खमण को निकाल लेते हैं। खमण यानी कि ढोकला, जो भी आप आपके लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब इसको मैं टर्न करूँगा प्लेट के अंदर। फ्रेंड्स देखिए कितना फ्लफी बना है ये, और इधर इसी बीच तेल गर्म हो गया है बढ़िया। तेल में डाल रहा हूँ मैं हमारी 1 चम्मच राई यानी कि आप सरसों के बीज जो बोलते हैं कई बार, राई डाल दी है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ मिर्ची, 3 मिर्ची ली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ये देखिए कितना प्यारा चटक इसकी आ रही है। इसमें डालूंगा थोड़ी सी चीनी 1 चम्मच और हल्का सा नमक। ये हो गया इसका प्रिपरेशन तैयार। इसको फटाफट मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको सेक लेते हैं। वो मिश्रण पक रहा है जब तक इसको कर लेते हैं कट। देखिए कितना फ्लफी है, मेरा हाथ इतने प्यार से आराम से जा रहा है। तो फटाफट इसको मैं कर रहा हूँ कट। इसमें ऐड कर दिया मैंने वाटर और ये पानी डालने पे ये बन गया इसका मसाला। तो फ्रेंड्स इसमें ऐड कर रहे हैं ये तड़का, इससे और हो जाएगा ये फ्लफी। ये देखिए ये तड़का मैंने ऐड किया ऊपर से, उसके बाद बहुत ही फ्लफी से ढोकले आपको परोसने के लिए तैयार है। जितने स्पॉन्जी ये बनेंगे उतना पानी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। जितना भी हमने लिया था पानी वो सारा ड्राई वाला पानी हमने इसके ऊपर डाल दिया। तो फ्रेंड्स बनके तैयार है शानदार सा फ्लफी ढोकला, और ये रही साथ में सर्व करने के लिए हरी चटनी और उधर मीठी इमली की चटनी। इन दोनों चटनियों की रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप बना सकते हैं। दोनों चटनियाँ बहुत ही टेस्टी है। फटाफट इसको करते हैं ट्रे में सर्व। तो फ्रेंड्स तैयार है आप सभी के लिए ढोकला खमण दो चटनियों के साथ में। दोनों चटनियों के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, सॉफ्ट सॉफ्ट ढोकले आप भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं स्पॉन्जी, तो फॉलो करें मेरी रेसिपी को और बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल फूड एजुकेशन एंड ट्रेवल विद डीसी में। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें।